हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो एक मैच होने वाला है ओलंपिक्स मैन लीग का, जापान वर्सेस स्पेन अंडर 23 के बीच। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लिटरली थोड़ा सा रिस्की मैच है, वो तो हर कोई होता है, आपको मैंने जैसे कि पहले वीडियो में कहा था। बाकी हम कोशिश करेंगे अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगवाने की आप लोगों की। तो इस मैच की फाइनल टीम जो आएगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगा, इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया गाइस, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करें इस मैच की। देन देखो, जापान वर्सेज स्पेन के अंदर पिछले सीजन्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो जापान टीम ने स्पेन को मतलब हरा रखा है, मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, जिसमें कि स्पेन बुरी तरीके से तो नहीं आ रही, वो भी एक आधा गोल करती है। लेकिन अगर इस सीज़न के हिसाब से देखा जाए तो स्पेन टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, जबकि स्पेन टीम का गोल रेशियो सीधा 60 से 80% प्लस हो गया और जापान का गोल रेशियो सीधा 80% या 90% से सीधा 50% पे आ गया। मतलब एक टीम जो स्ट्रांग थी वो काफ़ी डाउन हो गई है, एक टीम जो स्पेन थी वो डाउन से सीधा ऊपर चली गई, मतलब बहुत अच्छी बात। बात करें सबसे पहले हम गोलकीपर की, तो यहां से लूंगा पहला गोलकीपर केट टानी। कॉसी टानी मैक्सिको के खिलाफ पिछले मैच के अंदर खेला था, जिसमें किसने 3 गोल सेव किए थे, 1 गोल कंसीडेड कराया था। अराउंड 75% गोल सेविंग रेशियो चल रहा है इसका पूरे सीजन के अंदर, पिछले मैच में भी यही था। बात करें अगर मैं डिफेंडर की तो पी टॉर्स को लूंगा, पी टॉर्स को जरूर लेता हूं मैं हर बार, क्योंकि अगर आप उल्टा कॉम्बिनेशन भी दे रहे हो देन पी टॉर्स को तब भी लेना चाहिए, क्योंकि स्पेन टीम ऑलवेज स्ट्रांग है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेन का कि पी टॉर्स गोल करेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पी टॉर्स सेफ बोल है, अच्छा आई नो कि हाँ भाई चलता है। और ई गर्शिया की बात करें, एरिक गर्शिया पिछले मैच के अंदर आईसी के सामने खेल रहा था, 120 मिनट चला था मैच, वो इसलिए क्योंकि लास्ट के कुछ मोमेंट के अंदर मैच हो गया ड्रॉ, पूरा ड्रॉ हो गया, जिसमें कि क्या हुआ उसके बाद जब मैच ड्रॉ हुआ फिर तो भाई 3 गोल एक्स्ट्रा हुए थे स्पेन के। मैं एक बार तो दंग रह गया था कि ये हुआ क्या है, मतलब जीतता जाता मैच आईसी टीम हारी थी। आगे से बात करें नेक्स्ट पे की, मिरांडा को लूँगा। यहाँ पे मिरांडा को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक प्लेयर है ओमिंग्यूजा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बहुत जल्दी, मीन्स अराउंड 20-30 मिनट के अंदर ये हर बार सब्स्टिट्यूट होता है, तो मेरे को उसका फ़ायदा नहीं लगा गाइस। दैट्स वाई मैंने ना वेलेजो को पता नहीं खेलेगा, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, दैट्स वाई मिरांडा को ले लिया। बात करें मिडफील्डर की, डी ओल्मो को लूँगा, ओल्मो का गोल रेशियो काफ़ी बढ़िया है तो इसी के साथ जाना चाहिए गाइस। डैनी ओल्मो को एक्सपीरियंस भी है तगड़ा, स्ट्राइकर भी रह चुका है, ऊपर से मिडफील्डिंग में है, डबल कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहा है। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, आओ तनाका को लूंगा। आओ तनाका जापान का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल लेवल में भी खेला हुआ है, ये भी इंटरनेशनल लेवल है लेकिन बड़े, मतलब जो एक प्रॉपर टीम होती है जापान टीम, फुटबॉल टीम, उसके अंदर भी एज अ सब्स्टिट्यूशन कई बार खेला है। और आगे से बात करूँ आर डॉन की, आर रिट्सू डॉन इस सीरीज़ के अंदर चलता है, अंडर 23 के अंदर हर बार रिट्सू डॉन का गोल असिस्ट रेशियो आसमान पे होता है, सीधी सीधी बात है। आगे से बात करें के टूबो की, तो सॉरी टी कूबो को ले रहा हूँ यहाँ पे, टी कूबो पिछले मैच के अंदर भी गोल कर गया, इसका गोल रेशियो बहुत तगड़ा है। अगर आपको इसके बदले स्ट्राइकर छोड़ना पड़े तो भाई वो छोड़ देना, लेकिन टी कूबो को मत छोड़ना। बात करें स्ट्राइकर की, तो यहाँ से लूँगा देखो डी हयाशी, काफ़ी लोगों ने हयाशी को पिछले मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई किया था बट इट्स फ्लॉप, बट कोई बात नहीं। और आगे से बात करें ऑजरबेल की, देन यहाँ पे माइकल ऑजरबेल ने लास्ट मोमेंट पे गोल किया था, या मतलब 94 मिनट के बाद गोल किया था लास्ट पे, जब लास्ट गोल हुआ था उसके बाद इसने पेनल्टी लेके गोल मारा था बड़ा तगड़ा। एंड आगे से बात करें यार मेर की, इसने हैट्रिक की थी पिछले मैच में एज अ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी भी जीएल टीम में ये आ गया होगा ना बाय मिस्टेक, वो बंदे ने जीएल जीती होगी भाई, सही बता रहा हूँ, बाय मिस्टेक। सोचो आप टीम लगा के सो गए, एक बार मेरे साथ हुआ था गाइज, जबकि मैं टीम लगा के सो गया था, लिटरली मेरे एक दो प्लेयर नहीं खेल रहे थे फुटबॉल के स्ट्राइकर जिन्होंने गोल किया था। मतलब वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि कहीं आप कई बार आपके साथ गलती भी होती है और उसमें भी फ़ायदा होता है, बहुत कम होता है, बट अगर आज खेलेगा मेर तो हम लेंगे, नहीं खेलेगा तो भाई ड्रॉप ही करेंगे, ऐसा टेंशन नहीं। बात करें कैप्टन की, तरह मेरा कैप्टन है डी ऑलमो, वाइट कैप्टन है मतलब एम ऑजरबेल, अगर एक आधा चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, कोई बात नहीं डरने की गाइस। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, बाय।